गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम लोग आपके चैनल बायो इन माइंड में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स बाकी हैं जो कि आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। एक चीज़ और आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, जो आपको फंक्शंस लिखवाया जा रहा है, जो आपको स्ट्रक्चर लिखवाया जा रहा है, जो डाइग्राम है, दिस ऑल आर सफिशियंट फॉर यू। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, नाइन्थ क्लास से क्या होता है कि थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। एट और नाइन्थ के बीच में जो बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए सटीक पढ़िए, सही पढ़िए, ज़्यादा कुछ ओवर कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो करना है वो भी छूट जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आराम से आप लोग पढ़ते चलिए। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आके देखें तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गए, ये बीच में ये मैट्रिक्स हो गए, ये मैट्रिक्स के अंदर इनर कंपार्टमेंट और मैट्रिक्स के बाहर आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, इतना चीज़ है एक स्ट्रक्चर में। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में पूछ देगा और ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया डाल देगा, बोलेगा टिक मारिए। ठीक है, तो जो सही होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए, आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं इसके वो बहुत ही पोरस होते हैं और इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डीपली फोल्डेड होते हैं एकदम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी। ये जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये फोल्ड्स क्यों होते हैं, ये स्ट्रेट क्यों नहीं होता है, ये फोल्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एरिया मिले और वो एरिया से करते क्या है तो ये एटीपी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम तो फंक्शन क्या है इसका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड करता है किस चीज़ के लिए भाई, तो जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि उनको मिलता कहाँ से है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन है एक। सेकेंड देखिए, तो लाइफ इज रिलीज्ड बाई माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। लाइफ रिलीज मतलब क्या हुआ कि जब किसी को पावर मिलेगा तभी वो जीवित रहेगा ना, तो एटीपी मिलता है इसको, एटीपी सेल को माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि लाइफ इज रिलीज या एनर्जी इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट देखिए, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, एनर्जी करेंसी। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को वी आल्सो कॉल द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, फिफ्थ में देखिए, एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू कंपाउंड्स फॉर वर्क। ठीक है, देखिए, न्यू कंपाउंड्स को बनाने के लिए या वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम भी खुद खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हम खाना खाने से हमारे अगर पेट में कुछ नहीं रहेगा, वी हैव नो एनर्जी, देन वी आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क। ठीक है, हम कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं, तो इट हैज़ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होता है, सो माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम्स ऑफ देयर ओन प्रोटीन। ये कुछ कुछ अपने प्रोटीन्स भी बनाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। आ रहा बात समझ में,
इट कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स बोथ, ठीक, उसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इतना समझ में आया, ये डायग्राम था, इसका स्ट्रक्चर के बारे में था, ठीक, और इसका फंक्शन था, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो ये देखिए प्लास्टिड्स का एक स्ट्रक्चर है, ये एक प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर है। देखिए आगे वाला जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला है, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर इनर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर के बीच में दोनों क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो थैलेक्वाइड्स है इसके बीच में ल्यूमेन पाया जाता है, ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो थैलेक्वाइड्स है, ठीक। और ये जो दोनों चेन्स को, ये जो दोनों सीरीज हैं उनको जो दोनों ज्वाइन करता है इसको बोलते हैं लैमेला, ठीक। और ये पूरा एक जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर का ये जो बंच है थैलेक्वाइड्स का, ये जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ग्रेनम। और ये स्ट्रोमा एक्वस फ्लूइड, ये जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है इनको बोलते हैं स्ट्रोमा एक्वस फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्लास्टिड्स आर मेनली प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, बोला है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ थ्री टाइप्स, उनके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला क्या है भाई, क्रोमोप्लास्ट, 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 याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कैसा पिगमेंट होता है, ये कैसा प्लास्टिड होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है, ठीक है। इसमें कलर प्लास्टिड होते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट है, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, या इसमें वाइट कलर के पाए जाएंगे या कलरलेस होंगे, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये कलरफुल पिगमेंट होता है, इसमें खास करके ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम क्या है, तो इनर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द प्लास्टिड्स कंटेन न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल्स कॉल्ड स्ट्रोमा। इसमें क्या होते हैं कि न्यूमरस मटेरियल्स एम्बेडेड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और इसीलिए इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा एक्वस फ्लूइड, ठीक है। इसमें स्ट्रोमा एम्बेडेड है इसीलिए इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा एक्वस फ्लूइड, ठीक है। यहाँ स्ट्रोमा का डेफिनेशन है, ये आ सकता है एग्जाम में, आप इसको याद कर लीजिएगा। या अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इनर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द प्लास्टिड्स कंटेन न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। अब सेकेंड इसका थर्ड स्ट्रक्चर में देखते हैं तो क्या है, इट हैज़ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इसमें भी इसके टाइप डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए पहला फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड्स का पहला फंक्शन क्या हुआ कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स द वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट, ठीक है। मैंने बोला ये कलरफुल पिगमेंट होता है, तो कलरफुल मतलब क्या है कि ये मतलब इसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी पाए जाएंगे, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है, इन ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट मैंने क्या बताया था, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है मैंने बताया था कि ये वाइट कलर के होते हैं या कलरलेस होते हैं, तो इसमें क्या है, स्टार्च ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स जितने भी होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। हमने क्या कवर किया अभी, प्लास्टिड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल हम देखेंगे, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यही मेन चीज़ है। अभी आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप क्लास 9 में हैं एंड यू आर बिगनर्स, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक तरह से आप देखिए तो बायोलॉजी पढ़ना आप स्टार्ट कर रहे हैं, आ रहा बात समझ में। तो ये अभी फंडामेंटल चीज़ें हैं, आप फंडामेंटल चीज़ों की जानकारी भी रखिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा और आगे, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे अगर डायग्राम हम देखते हैं तो ये बाहर में एक तो मेम्ब्रेन दिखा है, तो मतलब कि ये लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक। उसके बाद मेम्ब्रेन के अंदर में लिपिड लेयर लिखा है, लिपिड लेयर, ठीक, मतलब ये लेयर जो है इसमें लिक्विड लाइक मतलब फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरे हुए हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर दोज
दैट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब वाटर के प्रेजेंस में लार्ज मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनको जब ब्रेक किया जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर मतलब ब्रेक करने के बाद उनको मिक्स किया जाता है यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद यहाँ क्या दिया है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ क्या दिया है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्रोटीन जो RER में सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बनेंगे तो जाएंगे ना कहीं, आखिर ये प्रोटीन है तो इसमें ये तो जाएगा, या इसका प्रोटीन है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ये करता क्या है कि ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में, मैंने यहाँ पर प्रोटीन का पैचेस बनाया है डायग्राम में, तो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में ये जो मेम्ब्रेन है ये हेल्प करता है। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट देखिए क्या है, हम इसके स्ट्रक्चर के फर्स्ट टाइप में आते हैं, फर्स्ट फंक्शन में इसके जब देखते हैं तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो देखिए अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है थोड़ा सा लाइट के चलते राइटिंग समझ में ना आ रहा हो, मगर आप सुनिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ये एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब कि ये वेस्ट को डिस्पोज करता है, ठीक। सेकेंड देखिए, हेल्प्स टू सेव क्लीन बाई डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। होता क्या है भाई कि ये सेल को क्लीन रखने में हेल्प करता है, ठीक है, कोई भी फॉरेन मटेरियल से, मतलब कि कोई भी फॉरेन मटेरियल्स सेल में एंट्री नहीं कर सकते हैं, अगर एंट्री कर भी गए तो उनको क्या करेगा, ये क्लीन मतलब डिस्पोज आउट कर देगा, या तो डाइजेस्ट कर देगा या तो उनको डिस्पोज कर देगा, किसी भी तरीके से उनको ख़त्म कर देगा। एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कि अगर ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी रहते हैं तो उनको भी ये क्या करता है कि रिमूव कर देता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर इज मेम्ब्रेन बाउंडेड हुज सैक्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर ये जो लिपिड लेयर दिख रहा है ना, ये है क्या, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। एक बार फिर से देख लीजिए, स्ट्रक्चर इज मेम्ब्रेन बाउंडेड हुज सैक्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। हम नेक्स्ट अब आते हैं कि फंक्शन क्या होता है लाइसोजोम का, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोजोम। तो देखिए लाइसोजोम्स का पहला फंक्शन क्या है, इट ब्रेक्स फॉरेन मटेरियल्स सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स इनटू स्मॉल पीसेस। सबसे पहले फॉरेन मटेरियल जब आएंगे तो आगे उनको मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम, या एक तरह से कहिए तो उनको डाइजेस्ट करने का काम कैसे होगा, तो ये करेंगे क्या कि सबसे पहले उनको स्मॉल पीसेस में तोड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ है कि ये क्या करते हैं कि एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम ये कंटेन करते हैं लाइसोजोम, ठीक। थर्ड देखिए, सो दे आर कैपेबल टू ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं इसमें, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्रोटीज, न्यूक्लियस, एमाइलेज, ये सब जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये ब्रेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग एनी डिस्टर्बेंस, ये मेन पॉइंट है इसका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पर होता क्या है ना, इस पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी, ये एक नंबर में भी आ जाता है। देखिए क्या है, ड्यूरिंग एनी डिस्टर्बेंस एनी लाइसोजोम मे ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है लाइसोजोम में जो कि अब उसके कंट्रोल से बाहर होने लगा, ऐसा डिस्टर्बेंस जो कि उसके कंट्रोल से अब बाहर जाने लगा, तो ये क्या करेगा कि अपने आप को, ठीक है, लाइसोजोम मे ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपने आप को ये क्या करेगा, ब्रस्ट करके और अपने ही सेल को मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये मेन पॉइंट है, देखिए सुसाइडल बैग, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, सो इट्स कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है।
ड्यूरिंग एनी डिस्टर्बेंस लाइजोसोम में ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, सो इट्स कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको क्या कहते हैं भाई, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लाइजोसोम में, लाइजोसोम के बारे में आप लोगों को अभी इतना ही पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ, इसको वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स का डायग्राम मैंने आपको जब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको दिखाया था कि वैक्यूल्स का डायग्राम प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, तो ये सब, ये तो वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा बात। और एक सेल में एक ही वैक्यूल्स प्रेजेंट हो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, दो तीन वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। आ रहा बात समझ में ना। देखिए वैक्यूल्स आर स्टोरेज फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। क्या होता है कि ये सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स को अपने अंदर ये स्टोर करके रखता है, ठीक। ये अभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका फंक्शन यहाँ पे है, फंक्शन ये पूरा है, आपको हम फंक्शन भी बताएंगे, अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को ये स्टोर करके रखता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे आर स्मॉल इन एनिमल बट लार्ज इन प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में छोटा होता है और वजह की प्लांट सेल में ये क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस के बारे में देखें, स्ट्रक्चर तो हमने दोनों देख लिया कि वैक्यूल्स आर स्टोरेज फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। सेकेंड क्या है, दे आर स्मॉल इन एनिमल बट लार्ज इन प्लांट सेल। देखिए फंक्शन में पहला क्या है, मे ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम्स, ठीक है। सेल वॉल्यूम का 50-90% तक क्या होता है, 50-90% तक क्या होता है कि वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट सेल में, ठीक है, नॉट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में, ठीक। उसके बाद सेकेंड क्या है, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी और रिजिडिटी, हमने आपको बताया था कि टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करने के चलते क्या होता है कि जो एक प्लांट सेल को जो स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर सपोर्ट, ठीक है, ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी के चलते ही मिलता है, ठीक है। अरे बात समझ में, इसका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि देखिए क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये सेल हो गया, ये सेल हो गया और ये अंदर से ये क्या कर रहा है कि ये पूरा इसको, ये जो वैक्यूल्स है इसको पूरा अंदर से एक फोर्स दे रहा है जो कि इसके मेम्ब्रेन पे लग रहा है, ठीक है, प्लांट सेल के मेम्ब्रेन पे लग रहा है। तो क्या करेगा ये कि प्लांट सेल के मेम्ब्रेन को कोलैप्स होने से बचाएगा, ठीक है, दबने से बचाएगा, और क्या करेगा कि ये इसको एकदम टाइट किए रहेगा। तो टाइट किए रहने से क्या होगा कि इसको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। आ रहा बात समझ में ना। तो प्लांट सेल को जो स्ट्रक्चर देता है उसमें वैक्यूल्स का भी बहुत ही बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट जो हम देखें, तो एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ऐसे ही खाली नहीं होता है, उसमें कुछ तो रहेगा ना भाई। तो एमाइनो एसिड भी स्टोर करता है, शुगर भी स्टोर करता है, ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स को भी अपने अंदर स्टोर करता है। फोर्थ देखिए क्या है, इन यूनिसेलुलर फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स दैट दे कंज्यूम्ड। मान लीजिए एक अमीबा है, तो अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू जो फूड कंटेन करता है, जो फूड को वो कंज्यूम करता है, उसको क्या करता है, वो फूड वैक्यूल्स में ही देता है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, इन यूनिसेलुलर वैक्यूल्स ऑल्सो एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम सेल। ये क्या करता है भाई, एक्सेस वाटर को और वेस्ट को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनसे बाहर निकालने में वैक्यूल्स का भी योगदान होता है, ठीक है। अब हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है चैप्टर 1 नाइन्थ क्लास का, सॉरी चैप्टर 1 बायोलॉजी का जो है नाइन्थ क्लास का, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको एक चीज़ देखिए कि जितने भी हमारा नोट्स है, ठीक, जितना भी हमारा पॉइंट वाइज पॉइंट सारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप जा करके वहाँ से आसानी से पढ़िए। जो नहीं समझ में आ रहा है डाउट्स के लिए यू आर फ्री, आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस जितने आपके मिस हुए हैं आप वहाँ से रिकवर कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।